मेरे सामने बैठी हुई मथुरा और राल की समस्त मेरी प्यारी जनता जनार्दन और मेरे पास में खड़े हुए केवल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नहीं, राहुल गांधी के प्रत्याशी नहीं, लेकिन जो पिछले 4 घंटे में मुझे आभास हुआ है, मथुरा के जन जन के प्रत्याशी मेरे अपने महेश पाठक जी जो है इस मंच पर मेरे साथ विराजमान है। मैं नमन करता हूं इस पवित्र भूमि को, मैं नमन करता हूं जब जब मुझे इस मथुरा के पावन पवित्र भूमि में नमन करने का सौभाग्य मिलता है। भगवान के श्री चरणों में यमुना जी को नमन करने का मौका मिलता है। मैं मानता हूं कि जिंदगी का वो मेरा सबसे सौभाग्यशाली क्षण बनता है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को एक संदेश देने आया हूं। यहां शांत हो जाए, शांत हो जाए। महेश जी, महेश जी, शांत हो जाए। आप लोग कृपा करके सब लोग बैठ जाओ। यहां अनुशासन रूप अनुशासित रूप से सब लोग बैठे हुए हैं। मंच पे भी वही उदाहरण आप लोग। प्रदीप जी, सब लोग बैठ जाए। भगवान की नगरी है, भगवान की नगरी में सदैव अनुशासन होता है। सब लोग आराम से बैठ जाए। अगर कुर्सी ना मिले तो आराम से जमीन पे भी बैठ जाए। जो व्यक्ति जमीन के साथ जुड़ा हुआ होता है उसी को भगवान का जनता का आशीर्वाद मिलता है। और यही मैं मानता हूं कि जो एक मिनट कि जो इस देश में जमीन के साथ जुड़ के चले, जनता के दिल में अपना स्थान पैदा करे, जनता की लड़ाई भी लड़े, डंडे ले भी डंडे दे भी, वही व्यक्ति जनता के दिल में राज करता है। आज जिस उत्तर प्रदेश के पावन भूमि में मेरा दौरा हो रहा है, राजनीतिक रूप से इस उत्तर प्रदेश के साथ 2 माह पूर्व शायद मेरा रिश्ता न रहा हो, लेकिन पारिवारिक रूप से इस उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि के साथ सिंधिया परिवार का 250 साल पुराना संबंध है। अब तालियां तो आपने बजाई पर प्रश्न आपने नहीं पूछा कि संबंध किस आधार पर। करीब 250 वर्ष पूर्व मेरे पूर्वज मादकी महाराज ने 1785 में पहला जो सैनिक शिविर लगाया गया था
की पवित्र माटी वृंदावन में लगाया गया था। और आज जब मैं मथुरा आया हूं तो किसी और कार्यक्रम के पहले मैंने जाके अपने पूर्वजों के द्वारा स्थापित विट्ठल मंदिर में पहला सिर ठोक के दर्शन करके उसके बाद आपके बीच में मैं उपस्थित रहा हूं। मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर, जिसके साथ आपकी आस्था केवल नहीं, मेरी आस्था केवल नहीं, लेकिन इस देश की तमाम जनता की आस्था जुड़ी हुई है। उस द्वारकाधीश का मंदिर का श्री विग्रह सिंधिया परिवार के द्वारा बनाया अहमदाबाद में, एक तरफ मथुरा, दूसरे तरफ अहमदाबाद। अहमदाबाद में प्रसिद्ध वेणी माधव माधव मंदिर भी सिंधिया परिवार के द्वारा बनाया गया। और बनारस में, जिस बनारस का प्रतिनिधित्व आज देश के सबसे प्रसिद्ध चौकीदार करते हैं, बालाजी मंदिर, सिंधिया घाट और गंगा बहन, सिंधिया परिवार ने 150 वर्ष पहले बनाकर दर्शनार्थ और दर्शनार्थ शास्त्रियों के लिए एक रहने का जगह बनाया। तो ये रिश्ता रहा है और आज आपके समक्ष में अगर खड़ा हूं तो वो रिश्ता जो उत्तर प्रदेश के साथ रहा है, एक राजनीतिक रिश्ता नहीं रहा। पंतला आंटी की जरूर फोन करके पूछ लो कि वो एक रिश्ता रहा है सत्यता का, एक रिश्ता रहा है विश्वास का, एक रिश्ता रहा है विकास का। तो आज उस रिश्ते को पूर्ण ऊर्जा देने के लिए आज ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके समक्ष खड़ा है। पिछले 20-25 सालों से आपका और हमारे उत्तर प्रदेश का क्या हाल हुआ है? उत्तर प्रदेश का हाल इन तीनों दलों ने मिलकर, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, इस पवित्र अंचल, इस पवित्र माटी जिसने इस देश को नेतृत्व का रास्ता दिखाया हो, जिस माटी से पंडित नेहरू ने इस देश को आगाज दिया, जिस माटी से मालवीय जी जिन्होंने अलाहाबाद में महाविद्यालय की स्थापना की, जिस माटी से रफी अहमद किदवाई एक नवरत्न ने जन्म लिया, जिस माटी से जय जवान लाल बहादुर शास्त्री ने इस देश को रास्ता दिखाया, जिस माटी से इंदिरा जी और राजीव जी ने इस देश को रास्ता दिखाया हो, आज उस माटी में इस बसपा सपा और भाजपा ने एक पूरा तांडव जंगल राज मचा कर छोड़ दिया। आज किसान परेशान, नौजवान बेहाल, महिला सुरक्षित और मध्य उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ प्रशासन भ्रष्ट,
किसान परेशान, नौजवान बेरोजगार, अभी भाजपा के सारे मंत्री मस्त हो चुके हैं, छोड़ चुके हैं। गन्ना की बात करो तो गन्ने के किसान को दाम नहीं मिलता। आज 35 लाख गन्ने के किसान का 10,000 करोड़ बाकी है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो गन्ने का किसान का सही दाम मंगलों दिलवाएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। जहां गन्ना का किसान परेशान, आलू का किसान की तो बात ही मत करो। आलू तो योगी जी के दरवाजे पे फेंकने पर पूरी तरह से दस्ताबूद मेरा किसान हो चुका, दाम नहीं मिलता। और जिनके दम पे ये सरकार पर आए थे, आज उनका ही दमन करने पर चुके हैं, पूरी तरह से कटिबद्ध चुके हैं। तो आज मेरा किसान परेशान, मेरा नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है। कहा था 2 करोड़ रोजगार के अवसर देंगे, कहा था कि हम लाएंगे अवसरों का भंडार, पर ये तो लेके आए पान और पकौड़े वाली सरकार। और मेरे मध्य प्रदेश में जहां सरकार, जहां एक तरफ युवा पकौड़े तले, इनके सरकार में तो बाबा लोग मंत्री बने। और जो मेरा नौजवान साक्षरता का सर्टिफिकेट लेकर कॉलेज डिग्री लेता है, उस नौजवान को की साक्षरता की सर्टिफिकेट को इन्होंने बेरोजगारी की सर्टिफिकेट में तब्दील करके छोड़ दिया है। तो आज मैं आपको ऐलान करने आया हूं कि एक तरफ किसान परेशान, नौजवान परेशान, महिलाएं असुरक्षित, महिला घर की अस्मिता नहीं होती, महिला परिवार की अस्मिता नहीं होती, महिला गांव की अस्मिता नहीं होती, महिला तो मेरे देश की अस्मिता होती है, देश की अस्मिता। और जो सरकार महिला की रक्षा न कर पाए, उस सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं होता। मैं बोलना चाहता हूं योगी जी को, जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, योगी जी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वही देवता विराजते हैं। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर नारियों में पुरुषों का गुण आ जाए तो वो राक्षस बन जाए। अरे ऐसे शासक को तो मेरे भाई और बहनों बोरी बिस्तर बांध के रवाना करना होगा हमें इस प्रदेश से। एक तरफ योगी जी की सरकार, एक तरफ योगी जी, दूसरे तरफ आदरणीय मोदी जी, और दोनों के दोनों सबसे बड़े धोनी जी आश्वासन दे देते हैं लेकिन अमल नहीं हो पाता। चाहे नौजवान की रोजगार की बात करो, चाहे किसान की दाम की बात करो, चाहे महिला की सुरक्षा की बात करो, चाहे देश में एक असहिष्णुता का वातावरण तैनात करने की बात करो, कांग्रेस कहती है किसान की जय हो, कांग्रेस कहती है नौजवान की जय हो, कांग्रेस कहती है महिलाओं की जय हो, और भाजपा कहती है पूरे देश में भय हो। तो ऐसी भाजपा जिसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क हो, जो इस देश को बांटने में लग जाए, यह वह देश है जहां आप पर हम मिलकर एक रमजान बनाते हैं। ऐसा रमजान जिसमें एक राम होता है, और आप और हम ही मिलकर एक ऐसी दिवाली मनाते हैं, एक ऐसी दिवाली जिसमें एक अली होती है। ये मेरी देश की विशेषता है, एक धर्म निरपेक्षता की, एक उदार विचारधारा की,
एक सांप्रदायिक सद्भाव की। और मैं उन मोदी जी को कहना चाहता हूं कि जो इनकी सोच विचारधारा है, एक नई इंडिया की, एक नई इंडिया जिसमें मेरे अन्नदाता फांसी चूमने के लिए निर्भर हो जाएं, एक ऐसा नया इंडिया, न्यू इंडिया जहां महिलाओं पर प्रताड़ित हो, एक ऐसा नया इंडिया जहां जीएसटी के आधार पर मेरा व्यापारी पूरी तरह से तबाह हो जाए, एक नया इंडिया जहां नोटबंदी के आधार पर मैं आपको आह्वान करता हूं कि इस चुनाव में भाजपा की नोटबंदी कराकर दिखा। नोटबंदी तो ऐसा निकाला इन्होंने, नोटबंदी तो ऐसा निकाला जैसे वो पुराना कोल्ड ड्रिंक का इश्तिहार निकलता था ना, आओ आज कुछ तूफानी कर देते हैं। वही सोच विचारधारा मोदी जी की, जहां गरीब का एक एक पैसा लेकर कागज के टुकड़े में परिवर्तित कर दिया और कहा था कि गरीब चैन की नींद सोएगा और अमीर नींद की गोली खाएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग लाइन में खड़े थे, मुझे बता दो कि अगर आप में से एक भी किसी अमीर व्यक्ति को लाइन में देखा? इसलिए नहीं देखा क्योंकि सारे के सारे अमीर व्यक्ति पीछे के दरवाजे से घुसकर अपने काले को सफेद करने में लग गए थे। तो मोदी जी का नया इंडिया जहां कहते थे 15 लाख, जहां कहते थे भाइयों बहनों पेट्रोल के दाम घटने चाहिए या नहीं, याद है कि नहीं, पेट्रोल के दाम घटने चाहिए या नहीं, डीजल के दाम घटने चाहिए या नहीं, रसोई गैस के दाम घटने चाहिए या नहीं। अब 5 साल बाद क्या हुआ मैं बताता हूं क्या हुआ। कहा था इन्होंने कि हम बुलेट ट्रेन लाएंगे मुंबई से अहमदाबाद, बुलेट ट्रेन तो नहीं आई लेकिन पेट्रोल का दाम बुलेट की तरह, जो पेट्रोल का दाम 60 रुपया होता था कांग्रेस के शासनकाल में, बीच में तो सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी पर लग गया, डीजल का दाम 70 रुपया पे और रसोई गैस का तो पूछना मत, जो 400 रुपया सिलेंडर होता था आज 1100-1200 रुपया। और मोदी जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी आपने तो भारतीय मुद्रा रुपया को अस्पताल के आईसीयू में पहुंचा दिया, जब भारतीय मुद्रा रुपया डॉलर के प्रति 60 रुपया होता था। अरे मोदी जी 5 साल में आपने तो भारतीय रुपया को आईसीयू से शमशान घाट पे पहुंचा दिया। ये कहते हैं ना 70 साल में क्या हुआ, अरे जो हमने 70 साल में नहीं किया वो मोदी जी ने 5 साल में करके दिखा दिया, महंगाई का रिकॉर्ड बना दिया, नोटबंदी से गरीबों का पैसा पूरी तरह से राख में बदल दिया, गब्बर सिंह टैक्स लाकर एक एक दिन के व्यापारी का पूरी तरह से काली अंधकार की राख में बदल के छोड़ दिया। जब हम लोग बच्चे होते थे हमको कहा जाता था कि सो जाना नहीं तो रात को गब्बर सिंह आएगा। मोदी जी ने तो दिखा दिया कि रात को गब्बर सिंह जी नहीं आते, मोदी जी की सरकार में तो
दिन दिहाड़े एक एक व्यापारी और छोटे दुकानदार के सिर के ऊपर दिन भर गब्बर सिंह मंडराते हैं। तो जिस सरकार ने इस देश का ताना बाना घोषित किया हो, जिस सरकार ने इस देश की संस्थाओं को कलंकित किया हो, जिस सरकार ने मेरे किसान को आत्महत्या करने के लिए निर्भर कर दिया हो, जिस सरकार ने 70 साल में जो नहीं हुआ बेरोजगारी का नया कीर्तिमान 6.5% उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नौजवान जो बेरोजगार हुए हो उनका कीर्तिमान स्थापित किया हो, ऐसी सरकार की बोरी बिस्तर मांग के निर्माण कर दिया। मध्य प्रदेश में तो हमने लड़ाई लड़ी ऐसी सरकार के विरुद्ध, और मध्य प्रदेश में दिन रात एक करके जनता का विश्वास जीत के शिवराज सिंह जी और मोदी जी की सरकार कर दिया। अब बारी है उत्तर प्रदेश की, और मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं कि आपने महंगी महंगाई वाली गर्मी देखी, दुखों की बरसात देखी, नोटबंदी की सर्दी देखी, लेकिन अच्छे दिन अभी तक नहीं दिखे। और आप मोदी जी, तूफान आ रहा है, ये 125 करोड़ जनता का तूफान है। अब अच्छे दिन रवाना होंगे और कांग्रेस पार्टी के सच्चे दिन आएंगे जनता के लिए। मोदी जी कहते हैं 56 इंच की छाती, कांग्रेस कहती है इस देश को अगर विकास और प्रगति के पथ पे ले जाना होगा तो 56 इंच की छाती की जरूरत नहीं है, 56 इंच के दिल की जरूरत है, 56 इंच की दिल की जरूरत है। मैं इनको सिखाना चाहता हूं, जो पाकिस्तान और चीन की बात करते हैं और जाकर फिर वहां बिरयानी और शौर की डिप्लोमेसी करते हैं, अरे सीखना है पाकिस्तान की बात, अरे तो इंदिरा जी से सीखो जिन्होंने पाकिस्तान को उनकी नानी याद दिला दी थी। मेरे भाई और बहनों, तो आज मैं आपको आह्वान करने आया हूं राल में इन पंक्तियों के साथ कि आंधियों का जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों का जिद हो जहां बिजलियां गिराने की, हमारा भी वही जिद है वही आशिया बनाने की। अरे आंधियों का जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमारा भी जिद है आशिया भी वही बनाने की। अगर असूलों पे जहां आ जाए, असूलों पर जहां आ जाए तो टकराना जरूरी है, असूलों पर जहां आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो आज राज की जनता हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो कि मैं इसी के साथ मिलकर चाहे क्षेत्र का शक्कर शक्कर का कारखाना छत्ता में, चाहे यमुना जी के प्रदूषण को मिटाने का संकल्प हो, आप पर हम एक साथ उठकर हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो आपका हाथ हमारे साथ और एक साथ मिलकर बीजेपी का बोरी बिस्तर पर रवाना करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।